जय हिंद दोस्तों, अभी हम बिहार शरीफ पहाड़ी पर का पार्क आए हुए हैं। चलिए आप सबको हम पार्क का नज़ारा दिखाते हैं अंदर का। ये हमारे साथ एक फ्रेंड आए हुए हैं। हाय दोस्त। इधर बैठने वाला, यहाँ आकर बैठ सकते हैं। ये बहुत सारा फूल का पौधा लगा हुआ है। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं चिल्ड्रन पार्क के अंदर। चिल्ड्रन पार्क, सभी बच्चे लोग इसमें, सभी बच्चे लोग खेलते हैं, झूला झूलते हैं। चलिए आप सबको हम दिखाते हैं। ये रहा चिल्ड्रन पार्क का गेट। इधर बच्चों का झूला है, पर थोड़ा सा हम भी झूल के दिखाते हैं आप सबको। थोड़ा सा झूलेंगे क्योंकि बच्चा का है, अगर टूट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा सा झूलते हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है झूला झूलने में। वाह, ये एक्सरसाइज करने वाला, पैर का एक्सरसाइज कर सकते हैं इससे। इधर सब सारा पेड़, रास्ता बना हुआ है इधर पार्क में घूमने का। अब हम आपको पार्क के बाहर ले चलते हैं, पार्क के बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आप सबको। ये रास्ता आ सकते हैं इधर, जगह प्रेमी युगल के लिए इधर आकर मिल सकते हैं, क्योंकि रोड पर तो मिल नहीं सकते हैं, पर इधर उसी के लिए बनाया गया है। सुबह सुबह योगा भी कर सकते हैं। ये सब सेफ जगह है वो सब के लिए, बाकी तो आप सब समझ गए होंगे क्योंकि वो इतना बताने का ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम एक नज़ारा और दिखाते हैं। तो हम भूल भुलैया दिखाते हैं, थोड़ा सा अंधेरा आएगा क्योंकि ये स्पेशल उसके लिए ही बनाए हैं। चलिए हम लाइट जलाते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए सब नज़ारा आपको। हम ये सब नज़ारा उसी के लिए बना हुआ है। इधर आकर सब प्रेमी युगल मिल सकते हैं। अरे बाबा, भूले जाएंगे क्या? हो फिर से इधर से रास्ता निकल गया। ये बाहर निकल गया, चलिए अंदर ही घूमते हैं, फिर से अंदर दिखाते हैं। किधर किधर हम सब जा रहे हैं? ये बाहर निकलने का रास्ता, तो ये था पहला फूल भैया। चलिए हम दूसरी तरफ ले चलते हैं। एक और उधर है थोड़ी दूर पे, उसको भी हम, उसके तरफ भी हम चलते हैं। अभी चलिए हम दूसरा भूल भुलैया दिखाते हैं आप सबको। पथरीला जगह, चलिए दूसरा भूल भुलैया दिखाते हैं। ये उतना अंधेरा नहीं है क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है ये, और वो वाला था जो अंदर से बंद था, इसलिए वो बहुत अंधेरा लग रहा था, पर ये ऊपर से खुला रहने के कारण इसमें लाइट ज़्यादा आ रहा था। ऊपर खुला रहने के कारण
इसमें लाइट आ रहा है। चलिए आगे की नज़ारा दिखाते हैं आपको। अब आगे का नज़ारा दिखाते हैं आप सबको। ये सब नीम का पेड़ और बहुत ही सारा पेड़ है। चलो उस पर चलते हैं। बहुत ही सुंदर पार्क घूमने के लिए बिहार शरीफ का अति सुंदर पार्क, जहाँ पर ठंड या गर्मी हो आकर थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। और यहाँ से जो बिहार शरीफ का नज़ारा भी देख सकते हैं। ये वाटरफॉल था बट अभी ये चालू नहीं है, क्योंकि इसका इससे अभी पानी नहीं गिर रहा है। कुछ दिन पहले चालू था और ऊपर से पानी गिरते रहता था, बहुत ही अच्छा लगता था। चलिए ऊपर लेकर चलते हैं। आइए अखिलेश, आ गए हम वाटरफॉल के सबसे ऊपर। थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं हम। ये ऊपर का नज़ारा, सारा सा। चलिए निकलिए, चलिए आगे दिखाते हैं अब आप सबको। उस पे से बस वही चलिए, उतारिए ना बस नहीं जगह है। चलिए आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। ये था वाटरफॉल, बस उस पे जाके बस निकल जाएंगे, फिर लास्ट वही। इधर सब जंगल सारा सब। चलिए आपको एक और बहुत ही और सुंदर नज़ारा दिखाने जा रहे हैं हम आपको, जहाँ पर लोग जाकर बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे भाई। यहाँ पर आकर लोग आराम कर सकते हैं और पूरे बिहार शरीफ का नज़ारा भी देख सकते हैं। दिखाते हैं हम आपको, यहाँ से दिख रहा है बिहार शरीफ, वो सारा सब बिहार शरीफ इधर देख लीजिए। सब बिहार शरीफ और पहाड़ी, उधर मंदिर सब, जो लाइट जल रहा है आप उससे मंदिर सब। इधर नीचे बहुत ही सुंदर नज़ारा है भाई। चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं। ये सब भी नज़ारा बहुत ठीक था बट अभी यहाँ पे पानी नहीं गिर रहा है, इस कारण थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जब इससे पानी गिरता था तो बहुत ही सुंदर लगता था। इसलिए अब आगे हम की ओर ले चलते हैं, पार्क के आगे की ओर। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।
तो अब पार्क से बाहर की ओर चलते हैं। ये छोटा सा गुंबज बनाया हुआ, ये सब फूल का पौधा, तो आगे हैं हम पार्क के बाहर, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।